दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं। आज की मेरी रेसिपी है गेहूं के आटे यानी व्हीट फ्लावर से बहुत ही चटपटे मसालेदार और कुरकुरे पापड़ बनाने की। आप देख सकते हैं कि कितने पतले ये पापड़ बने हैं। देखने में ये जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। ये पापड़ बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। ये देखिए, फ्राई होके आप देख सकते हैं कि किस तरह से लग रहे हैं, झटपट से बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं इस रेसिपी को। गेहूं के आटे से पापड़ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो हम देख लेते हैं। एक कप लिया है हमने गेहूं का आटा यानी व्हीट फ्लावर, इसको हमने पहले से ही छान के लिया है। आधा चम्मच लिया है हमने नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, इसकी जगह आप पापड़ खार भी ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच लिया है हमने जीरा और एक चौथाई चम्मच हमने ली है हींग। अब हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल, इसमें हम डाल देते हैं गेहूँ का आटा और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर देंगे, हींग, जीरा, बेकिंग सोडा, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम घोल बना के तैयार कर लेंगे। कोई भी गांठें इसमें ना बने ये हमें ध्यान रखना है, तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने इसका घोल बना के तैयार कर लिया है और आप इसको देख सकते हैं कि मैंने कितना गाढ़ा बनाया है ये। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि अच्छे से फूल जाए। अब गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी है, गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है। आप कढ़ाई की जगह भगोना भी ले सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे एक गिलास पानी और पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं, कवर कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, इसको हम ऑयल लगा के ग्रीस कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं इस बैटर को रखे हुए। ये देखिए, एक बार अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी गांठें नहीं बनी हुई हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब हम इस बैटर को इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं, ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। तो अब हम इस कढ़ाई में लगा देते हैं एक इस तरह का स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप एक छोटी प्लेट या ढक्कन को उल्टा करके रख सकते हैं। अब इसी स्टैंड के ऊपर हम इस प्लेट को भी लगा देंगे। सावधानी से गैस की फ्लेम को हम लो कर लेते हैं जिससे कि हमारे हाथ जले नहीं। ये देखिए, प्लेट लगाने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो और मीडियम रखते हुए 10 से 15 मिनट हम इसको कुक करेंगे। 15 मिनट के लगभग हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि आटे का कलर चेंज हो गया है। तो एक नाइफ़ या टूथपिक से हम इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, नाइफ़ पे चिपक नहीं रहा है, यानी कि जो आटा है ये अच्छे से स्टीम हो गया है। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसको हम सावधानी से बाहर निकाल लेते हैं। आटे को हमने 5 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है, तो अब हम स्पून से इसको निकाल लेंगे। किसी थाली या प्लेट में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है तो थोड़ा हम इस तरह से स्पून से ही इसको मैश करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा और चिकना हो जाएगा। आटे को स्पून से अच्छे से मैश कर लिया है, अब ये ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर लिया है थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल, इस तरह से हाथ में हम लगा लेंगे। यहाँ पर आपको सरसों का तेल ही लेना है, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आटे को इस तरह से हम हाथ से मलते हुए एकदम चिकना कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने आटे को चिकना कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। आपको जितना बड़ा पापड़ बनाना होगा उतनी बड़ी हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं, गोल कर लेंगे। तो चलिए अब पापड़ बनाना शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह की एक छोटी पॉलीथीन और एक चाहिए हमें बड़ी पॉलीथीन जिस पर हमें पापड़ फैलाने हैं। तो दोनों पॉलीथीनों को हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल लगा के। हल्का सा ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगाना है। अब हमने ले ली है छोटी पॉलीथीन, एक हमने ले ली है लोई, इस पे हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल नहीं लगाना है और इसका जो हाफ पोर्शन है उससे हम इसको कवर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बेलन की हेल्प से जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उस तरह से हमें बेलना है, एक जैसा बेलना है, कहीं मोटा कहीं पतला ना रहे, घुमाते हुए बेलेंगे। पॉलीथीन को एक सा हम करते जाएंगे, अगर बेलते समय पॉलीथीन सिकुड़ती है तो उसको इस तरह से हम सही कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और जहां आपको लगे कि थोड़ी सी इसकी शेप खराब हो रही है तो पॉलीथीन के ऊपर से ही आप इस तरह से उसको सही कर सकते हैं। ये देखिए इसके किनारे सही हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक सिरा हम इस तरह से हटा देंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना पतला ये पापड़ बना है। क्या करेंगे, बड़ी पॉलीथीन के ऊपर इस पॉलीथीन को इस तरह से पलट के हम डाल देंगे और ऊपर से हल्का सा हम इसको प्रेस कर देंगे। इन पापड़ों को हमें पतला ही बनाना है तभी ये खाने में अच्छे लगते हैं, मोटे पापड़ हमें बिल्कुल नहीं बनाने हैं। एक और बना के दिखाती हूँ आपको। ले ली दूसरी लोई, उसी तरह से पॉलीथीन को हम इसके ऊपर कवर कर लेंगे और बेलन की हेल्प से हम इसको बेल लेते हैं एक जैसा। बहुत आसानी से पापड़ बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। दूसरा पापड़ भी हमने बेल के तैयार कर लिया है, तो जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम हटा देते हैं और ये पापड़ हमारा बनके तैयार है। अब इसको हम बड़ी पॉलीथीन के ऊपर डाल देंगे। इस पापड़ को भी हम इस तरह से बड़ी पॉलीथीन के ऊपर डाल देंगे, ऊपर से हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे और इसका किनारा हम इस तरह से उठा लेंगे, जहां आपको लगे कि हल्का सा ही चिपक रहा है तो ऊपर से आप उसको हल्का सा प्रेस कर दें। ये देखिए तो हमारा दूसरा पापड़ भी बन के तैयार है। तो इसी तरह से हम अपने सारे पापड़ बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे पापड़ बना के तैयार कर लिए हैं और अब हम इन पापड़ों को सुखाएंगे पंखे के नीचे रख के। तो अब हम इन पॉलीथीनों को रख देंगे पंखे के नीचे और अच्छे से हम सुखा लेंगे लटते पलटते हुए। तो ये देखिए पापड़ हमने सुखा के तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने पतले ये पापड़ बने हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। आप इनको अच्छे से सुखा के किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके एक साल तक रख सकते हैं। चलिए आपको मैं फ्राई करके भी दिखाती हूँ। कढ़ाई में ऑयल हमने पहले से गरम करने रख दिया था, पापड़ तलने के लिए हमें अच्छा गरम ऑयल चाहिए। और इस तरह से हम कढ़ाई में पापड़ डाल के फ्राई कर लेंगे, चिमटे से पकड़ते हुए हम फ्राई करेंगे जिससे कि आसानी से फ्राई हो जाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा कढ़ाई पे हम रोकते हुए इनको निकाल लेंगे। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, उतना ही टेस्टी ये खाने में लगता है। तो ये देखिए इस तरह से हमें जितने पापड़ खाने होंगे उतने हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को आप थोड़ा सा कम कर लें। ये देखिए पापड़ हमने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं, आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो होली आने वाली है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।